नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल इस पर देश में हो रहा है। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई दल जो इसका बहिष्कार करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर आए हैं विजय चौक रायसीना हिल्स पर, जहां से हम अपने इस इलेक्शन बस के जरिए आपको पूरा नजारा नए संसद भवन और पुरानी संसद का दिखाते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको बस स्टॉप से और फिर घूमकर पूरा नजारा दिखाते हैं। वैसे तो इमारतें ईंट पत्थरों से बनती हैं, लेकिन वो लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत हो, वो अगर देश की संसद हो, तो फिर उसके मूल्य और उसकी जीवनी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, देश की संसद, और हम एक ऐसी जगह पर आज मौजूद हैं जहां पर पुरानी संसद और नई संसद दोनों आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, देश के सबसे शक्तिशाली जगह पर, जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ इंडिया गेट, तो पीछे हमारे पुरानी संसद और नई संसद दोनों आप देख पा रहे हैं। इस नई संसद को लेकर बवाल खूब हुआ सियासी, लेकिन आज पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। हम आपको बताते हैं कि नई संसद में खास क्या है, क्यों आज इस पर इतनी चर्चा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो कैसे इस नए संसद भवन के साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, और जितेंद्र हम नजारा दिखा रहे हैं। सबसे पहले सियासी बवाल जो हुआ उस पर बाद में आएंगे, क्यों जरूरत पड़ी नए संसद की, आज ये देश को समझना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए अंजना, जो पुराना संसद है इसकी स्थापना और इसका जो शिलान्यास किया गया था 1927 में किया गया था। लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो है, हम लोग जिस एरिया में यहाँ पर घूम रहे हैं, ये रायसीना हिल्स कहलाता है, और इसके बारे में बोलते हैं कि ये सिस्मिक जोन का बड़ा एरिया है, और यहाँ पर भूकंप अगर आता है तो दिक्कतें हो सकती हैं। नई इमारत जो बनी है वो भूकंप रोधी है। पुराना संसद जो है काफी पुराना हो चुका है, और उसमें हम लोग जब पार्लियामेंट सेशन कवर करते हैं तो जो बेसमेंट है पुराने संसद का, उस बेसमेंट में भी मानसून सत्र के दौरान काफी पानी भर जाया करता है, और उस पानी से निकाला जाता है। तो एक तो बहुत पुरानी इमारत हो चुकी थी, कई हिस्से ऐसे भी थे जहां पर टूटने फूटने की स्थिति बन रही थी। दूसरा, जगह का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब जो नई संसद बन रही है, लोकसभा हो राज्य, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान किया गया है। जॉइंट सेशन जो कोविड के दौरान हुआ, कितनी दिक्कत हुई थी? देखिए कोरोना काल में जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, या फिर जगह की कमी होने की वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया जा रहा था उस दौरान, और उस दौरान सांसदों को बैठने के लिए जगह कम थी, इसलिए जो सेंट्रल हॉल था वहां पर सीटें लगाई गई थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे सांसदों को जगह नहीं मिल रही थी। हमने कई सांसदों से जब बात किया तो उनको कहना था कि स्पेस की काफी कमी हो रही है, मीडिया को भी काफी रिस्ट्रिक्ट किया गया था उस दौरान, और बहुत कम मीडिया वाले जो पुराना संसद है उसमें जा रहे थे। लेकिन अंजना, नया संसद जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 888 जो लोकसभा के सांसद वो बैठ सकेंगे, 384 राज्यसभा के सांसद वो बैठ सकेंगे, और इन सांसदों के साथ साथ जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा जगह दी जा रही है। 336 के आसपास नजर रहेगी जी, जी। कि विजिटर्स जो अन्य लोग आकर देश की संसद को देखना चाहते हैं उनके लिए 336 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। 336 लोग सांसदों के अलावा बैठ पाएंगे वहां पर। अब बात तकनीक की, कि आपने सिस्मिक जोन की बात की, तो क्या हमारे क्या तैयारी की गई है और कैसे नई तकनीकों से लैस ये नया संसद भवन है? देखिए अब एकदम करीब हम लोग आ गए हैं, यहाँ से नजारा देखिए, बड़ा भव्य है। रायसीना हिल्स के इस पूरे इलाके को आप देखें, इधर इंडिया गेट, यहाँ राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, तमाम दफ्तर, जो सबसे देश की नियति और दिशा सब कुछ तय करने वाले जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब यहीं पर मौजूद हैं, और यहीं पर पुरानी संसद और नए संसद भवन को आप एक साथ इस वक्त देख रहे हैं। नई तकनीक में क्या क्या होगा जितेंद्र? देखिए अंजना, जो ये संसद है वो पुराने संसद से क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा है। 17,500 वर्ग मीटर के आसपास जो क्षेत्र है इसका काफी बड़ा है पुराने संसद से, और इसके बारे में कहते हैं कि इसमें जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको लगाया गया है सांसदों के लिए। पहले क्या होता था कि जो पुराना संसद है वहां पर जगह कम होती थी, रूम सांसदों के लिए नहीं थे, यहां पर उनके
बैठने की व्यवस्था अलग से होगी, और उन सांसदों के लिए जो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो तमाम चीजें अलग से लगाई जा रही हैं। तो ये एक और ये अर्थक्वेक की बात आपने की, अर्थक्वेक प्रूफ भी क्या इस बिल्डिंग को बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाया गया है, और इसके जो पूरी तल्ले हैं उसमें अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि अगर भूकंप इस एरिया में आता है, ये एरिया रायसीना हिल्स है, और यहाँ के बारे में कहते हैं कि भूकंप अगर तेजी से आएगा तो ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इस वजह से इसको पूरी तरीके से भूकंप रोधी इस इमारत को बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस इमारत के आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर भी नई तरीके की डिजाइन, नई तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि स्पेस ज्यादा रहे, और इसके साथ ही जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में अलग तरीके का व्यवस्था किया गया है। तो ये आधुनिक संसद है, और आधुनिक देश के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 21वीं सदी में भारत, आज राजनाथ सिंह ने बोला कि 21वीं सदी में भारत जा रहा है, और अगर इस संसद के उद्घाटन में विपक्षी पार्टियां नहीं आती हैं तो किसी चीज से वो दूर हो जाएंगी, उनको वो चीज नहीं मिलेगी, वो देख नहीं पाएंगे, और 100 सालों तक जो है लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे कि विपक्षी पार्टियां आई ही नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने भी देखिए जितेंद्र सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन जब वो विदेशी दौरे लौटे तो उन्होंने बताया कि जब मेरा वहां पर स्वागत किया जा रहा था भारतीय समुदाय के सामने, तो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया। गृहमंत्री अमित शाह सीधा कह रहे हैं कि ये ओछी राजनीति है, इससे बचना चाहिए। कितने दल कल रहेंगे, यानी कितने दल गायब रहेंगे, और लगभग 100-125 सांसद ऐसे होंगे जो हम माने कि मौजूद नहीं रहेंगे उद्घाटन में, जब उद्घाटन होगा। बिल्कुल अंजना, सामने जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं पुराने संसद और नए संसद की, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितना आधुनिक नया संसद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेंट्रल विस्टा का विजन है उस विजन के मुताबिक इसको किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां, महज 20 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं, और वे ये कह रही हैं कि वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, वो बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि 25 जो पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ हैं, और वो पार्टियां इस जो यहां पर भव्य कार्यक्रम होगा उसमें मौजूद रहेंगी, और उसके साथ ही उन 25 पार्टियों में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है संख्या में उन 25 पार्टियों के साथ, 350-400 हम माने कि बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा के सिर्फ जो बात हो रही है। एक बार फिर से नजारा आपको दिखाते हैं, जब जब नए संसद भवन के करीब आ रहे हैं, देश में बहुत उत्सुकता है इस नई इमारत को लेकर, सियासत अपनी जगह है लेकिन वो उत्सुकता भी लोगों में बहुत प्रबल है। आसपास से लोग सिर्फ यहाँ पर आकर अपनी सेल्फी, अपनी फोटो खींचने के लिए पहुंच रहे हैं। सिंगोल को लेकर भी पॉलिटिक्स हुई, जब गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा वीडियो दिखाया, नेहरू जी का जिक्र किया, कहा कि कैसे ये सिंगोल उस वक्त दिया गया था आजादी के वक्त पर प्रतीकात्मक रूप से कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, लेकिन प्रधानमंत्री उसको स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित करेंगे। सिंगोल पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, वो भी एक और जल्दी से उसी के साथ जो पूरा कार्यक्रम सुबह से है संडे का, वो जल्दी से बता। बिल्कुल अंजना, जो 28 तारीख को सुबह से जो कार्यक्रम है वो 7:30 बजे शुरू होगा, और सबसे पहले हवन और पूजन का वहां पर इंतजाम किया गया है, ये सारी व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस दौरान मौजूद रहेंगे, लोकसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। 8:30 से 9:30 के बीच में सिंगोल स्थापित करने का जो वैदिक रीति रिवाज से वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है, और जो स्पीकर की कुर्सी है उसी के सामने उसको स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो 12 बजे से शुरू होगा, और राष्ट्रगान के साथ वो पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा वहां पर लोकसभा स्पीकर बोलेंगे, एक सिक्का भी जारी किया जा रहा है, और इसके साथ ही स्टैंप जारी किया जा रहा है। 1:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। इसके अलावा 2:30 बजे जो है पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो ये पूरा 28 तारीख का कार्यक्रम है जो मिनट टू मिनट आज तक पर आपको जानकारी मिल रही है। तो हमने आपको नजारा दिखाया रायसीना हिल से, देश की सबसे शक्तिशाली जगह का, जहां से देश की नीतियां, जहां पर देश के हर बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं नए संसद भवन का, उनका भाषण संबोधन भी होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी और तमाम अन्य पार्टियां, कुल 21 दल ऐसे हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि उनका यह आरोप है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए,
ये पीएम के हाथों से नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी तरफ कायम है, वो अपनी तरफ अड़े हुए हैं। और इस बीच हमने आपको दिखा दिया नजारा संसद भवन का।